स्टेमिना। स्टेमिना कैसे बढ़ाए, किसी भी एक्सरसाइज का स्टेमिना कैसे बढ़ाए। सबसे पहली बात, स्टेमिना है क्या। अगर कोई 10 पुशअप लगाता है और आप उसकी जगह 100 पुशअप लगाते हो तो ये होता है स्टेमिना। आप 2-2 घंटे रनिंग करते हो लगातार, ये होता है स्टेमिना। जिम में 3-3 घंटे बिना थके वर्कआउट करना, ये होता है स्टेमिना। लेकिन हाँ, हर एक फील्ड में स्टेमिना अलग होता है। जरूरी नहीं है कि 100 किलो वेट उठाने वाला बंदा 100 पुशअप्स लगा दे, ना बिल्कुल भी नहीं। बॉडी को जिस तरफ ले जाओगे वो उसी तरफ जाएगी। लेकिन स्टेमिना बढ़ाना जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सीधी सी बात ये है कि स्टेमिना बढ़ाने में मेहनत बहुत लगती है यार। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा कुछ खाया या फिर थोड़ा सा भी वर्कआउट में रेस्ट लिया, थोड़े दिन का भी रेस्ट लिया तो गई भैंस पानी में। तो इसीलिए खिलाड़ी को पूरा डिसिप्लिन में रखा जाता है भाई, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अनुशासन। जहां तक मैंने स्टेमिना के बारे में सर्च किया, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खाओगे और आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, या फिर मैं आपको कुछ ऐसा घोलकर पिला दूं जिससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ना। डाइट, डाइट अपनी जगह सही है, लेकिन डाइट सिर्फ आपको एनर्जी देगी वर्कआउट करने के लिए। देखो ध्यान से समझो, डाइट अपनी जगह सही है, वो आपको एनर्जी देगी, लेकिन स्टेमिना तब आपका बढ़ेगा जब आप कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाओगे। ये लाइन याद रखना। अब कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाना क्या होता है समझो। मान लो आप 20 पुशअप लगा पाते हो, आपने कैसे भी करके अपने साथ पार्टनर को लेकर पूरी ताकत लगाकर कैसे भी 20 से ऊपर 22 23 25 पुशअप लगा दिए, तो ये आपने कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाया है। ये एक्सपीरियंस मैंने भी महसूस किया हुआ है। जब भी हम कैपेसिटी से ज्यादा हम अपनी बॉडी पर जोर लगाते हुए तो वो कुछ अलग सा फील करती है। इसीलिए भाई तपाना पड़ता है बॉडी को, बॉडी को तपाना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है मेरे भाई। इसीलिए जब भी आप वर्कआउट करो तो जितनी ताकत आपके शरीर में है उससे ज्यादा ताकत लगाया करो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जिम में पर्सनल ट्रेनर होते हैं जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, फीस भी कुछ ज्यादा होती है। उससे हमको कहीं ज्यादा फायदा मिलता है, उससे हमारा स्टेमिना और मसल्स भी जल्दी ग्रो होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है समझो, हमने वर्कआउट किया, हमारी बॉडी थक गई, तभी हम वर्कआउट छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास पर्सनल ट्रेनर होता है तो वो हमारी सपोर्ट करता है, हमको मोटिवेट करता है, कुछ भी करके हमारा वर्कआउट कंप्लीट करवाता है, वर्कआउट में अधिक जोर लगवाता है जिससे हम कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाते हैं और हमारा स्टेमिना और मसल्स जल्दी ग्रो होती है। रही बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग आपको करनी है इस प्रकार, हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेनिंग किया करो और 1 दिन लंबी रनिंग किया करो। एक्सरसाइज जितनी हो सके उतनी ज्यादा किया करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फेफड़ों की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज, फेफड़ों की एक्सरसाइज किया करो, जैसे कि प्राणायाम, और हर एक एक्सरसाइज में ब्रीथिंग का यूज किया करो। एक्सरसाइज ब्रीथिंग के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको सिखा दूंगा। शरीर में पावर बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो बताओ मुझे। डाइट, डाइट आपकी बॉडी को पुश करती है वर्कआउट करने के लिए, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको बताओ, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन वाले फूड आपका स्टेमिना बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। कैल्शियम सबसे ज्यादा आपको मिलेगा किशमिश में और दूध में, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा दालों में और दूध से बनी सभी चीजों में, आयरन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा केले में और हरी सब्जियों में। बस देखो यार, जब आप वर्कआउट करते हो और जल्दी थक जाते हो, वर्कआउट छोड़ो यार, कुछ भी काम करते हो जल्दी थक जाते हो, हांफने लग जाते हो, आपका जब भी कोई आप काम करते हो तो आप थोड़ा सा काम करते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो समझो आपका स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा है और इसको बढ़ाना ही होगा। तो भाई जो जो मैंने आपको बताया है इसको यूज करो, जरूर आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, उस पे क्वेश्चन करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को नए हो तो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।